अच्छा ओहो, वो कहाँ गया? वो चर्चा करनी थी, चलो कर ले। ये द्वितीय अध्याय में अपने जो पढ़े थे, युति, दो ग्रहों की युति, तीन ग्रहों की युति, चार ग्रहों की युति, पांच ग्रहों की युति, है कि नहीं? आप अपने अपने कुंडली में पहले देख लेना, बाकी बाद में दूसरों के देखना, है कि नहीं? और आपको उसका फल देखना है, समझना है फट से, इसलिए आपको ये चित्र बना दिया है ताकि, और क्रम में जहाँ बिगड़ा है वह रंग भी लगा दिया मैंने, जैसे 206 और 207 पन्ने में चला गया है क्रम से। हमने जो सूची है, संकेत अक्षर है, उसका अर्थ पूर्व में डाल दिया ना, ऊपर संकेत अक्षर है ना। एस मने सूर्य, सी मने चंद्र, एम मने मंगल, बी मने बुध, जी मने गुरु, वी मने शुक्र, ए मने शनि है ना। ए मने शनि को लिया, शनि मने क्या? आरके बोलते हैं, अर्की 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 नहीं आया तो बार बार शनि के लिए अर्की बोलते हैं, क्योंकि इतने दो यश हो जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना। सूर्य को भी यश, शनि को भी यश कर दो, शुक्र भी यश, सब गड़बड़ होगी। इसे हमने जान करके शुक्र के लिए अंग्रेजी वाला वीनस का वी दे दिया, वीनस बोलते हैं ना। और शनि में समस्या है, अंग्रेजी में सैटर्न बोल देते हैं, ऐसी रह जाता है, इसे हमने संस्कृत वाला अर्की के अनुसार ये लिख दिया उसके लिए। इस तरह से आप यहाँ शुरू में देखो, एक नंबर एस प्लस सी मैंने सूर्य और चंद्र की युति, और आगे जाओ 15वें में देख लो एम और ए का मतलब क्या हुआ, मंगल और शनि का युति, ऐसे समझना है। वो उनके श्लोक नंबर भी दे दिया, पृष्ठ संख्या भी दे दिया, मानसंकरी में फटितिया बनासन से देख सकते हैं वहां पे। एम युतियों में, तीन ग्रहों के युतियों में भी यस सी एम मैंने सूर्य चंद्र मंगल हो जाएगा। वहां से जाओ 10वें में जाओ यस बी ची मतलब क्या है, सूर्य एस बी जी है, एस बी जी जी है, मंगल कहां से ला रहे हो? इतना भी नहीं यहां लिखा भी, अक्षर भी इधर देख नहीं सकते हो। गुरु जी मैंने गुरु हो गया ना, मंगल बोल रहे बार बार, इसे मैं जान के आप लोगों से मुख बोल रहा हूं, गलत हो रहा है ना, सही तब होगा ना। अब जाइए 19 में, उसी क्रम में 19 सी एम ए चंद्र मंगल शनि, हाँ आप सही बोले आप। अब जाइए 28 में, एमबीए कर दिया ना, एमबीए परीक्षा पास हो गया, देखो एमबीए, एमबीए क्या होता है, मंगल बुध शनि, हाँ। अब जाओ अगले प्रश्न, अगले कॉलम में 35 में लो जी वी ए, हाँ गुरु शुक्र शनि, हाँ सही बोलने लग गए। अब युति 4 में जाओ, यहां पर ही बोलना था मुझे, क्रम में ये जो सूर्य गुरु शुक्र 13 नंबर इसमें पूर्व वाले में, पूर्व कॉलम में 13 नंबर में एस जी वी क्रम से आना चाहिए था, श्लोक में क्या है वो चला गया 206 नंबर श्लोक 136 पृष्ठ में चला गया। छापने वाले की गलती होगी या लिखने वाले पंडित जी को बाद में याद आओगे, हो गया ये छूट गया तो लिख दिया श्लोक, वो आगे चला गया। जब क्रम से आ रहा है तो क्रम के अनुसार एस जी वी एस जी ए सूर्य गुरु शुक्र सूर्य गुरु शनि होना चाहिए ना। इन सूर्य गुरु शुक्र का जो श्लोक है पृष्ठ संख्या 136 में गया और 206 श्लोक संख्या, एवं सूर्य शुक्र शनि क्रम के अनुसार आता तो 133 पृष्ठ में होना चाहिए और श्लोक संख्या होना चाहिए 185 186 187 क्रम से आना चाहिए था, वो चला गया 207 श्लोक में, आगे पन्ने में चला गया। यानी हमने जान के आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, एस 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 पूरा ले लिया, सी 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 एम 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 इस क्रम से बना दिया, और आगे पीछे जो है उसका क्रमांक हमने उसी हिसाब से दे दिया, तो आपको वहां ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ युति 4 में, चार ग्रहों की युति में भी देखो 212 और 221 ये आवृत्ति हो गई दोबारा, वहां भी पढ़ाते तो बोला था मैंने, आवृत्ति हो तो विकल्प समझना चाहिए, मतांतर समझना चाहिए, इति मते श्लोक में भी आया था मतांतर करके, मते मैंने मतांतर, वो एक ही चीज है एस सी एम वी 3 और 12 जहां हमने चिन्ह लगा रखा है। 3 में देखो चार ग्रहों की युति में एस सी एम वी है और 12 में भी एस सी एम वी,
सूर्य चंद्र मंगल शुक्र, इसका दो बार आया है श्लोक संख्या 212 और 221, 137 और 139 पृष्ठ में, वो मतांतर समझनी चाहिए। बाकी में एक ही बार आया है, ढंग से आया, क्रम से चला हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी। पांच ग्रहों की युति, पांच ग्रहों का युति प्रथम पृष्ठ में ही। अच्छा 40वां देखो, SCMGA का मतलब क्या हुआ? हाँ, सूर्य चंद्र मंगल गुरु और शनि हो गया। अब अगले प्रश्न में देखिए इसी प्रकार से 48 वालों, SMBVA गुरु कहाँ है? गड़बड़ बोल रहे हैं ना, अरे पंडित ही गड़बड़ करेगा, दूसरा क्या करेगा फिर? सूर्य मंगल बुध शुक्र और शनि है वहां पे। अंतिम वाला 56 MGMBGVA मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये समझो। युति ऑफ 6 में देखिएगा 59 में, 59 SCMPVA मतलब सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र और शनि, ये क्रम बना। समझ में आ गया ना देखने की तरीका? और आगे उसका पृष्ठ संख्या और श्लोक संख्या दी हुई है। और एक श्लोक है 7 ग्रहों की युति का, और अंतिम वाला 274 में। हाँ 36 में सी और एस, सी माने चंद्र अथवा और सूर्य के साथ पाप ग्रह हो तो इसे वादिकन आगे देखें। पा मने पापा मने पापम, पाप। पीयू मने पुण्य, पीए मने पाप, पीयू मने पुण्य, पाप ग्रह पुण्य ग्रह मामला ग्रहों के है ये नहीं, इसलिए वहां चंद्र के साथ पाप ग्रह हो तो और सूर्य के साथ पाप ग्रह हो तो उसका फल है 137 पृष्ठ 208 श्लोक में। और तीन पुण्यग्रह एक साथ हो या तीन पापग्रह एक साथ हो वो 137वें पृष्ठ में 209 श्लोक में है। समझ में आ गया ना? अभी इस तरह से देखने के लिए सुविधा के लिए आप ज्योतिषी बनिए ना बनिए, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत कर दिया, अपना भी लाभ है, आपको लाभ हो या ना हो है। खैर अब लौटिए, चलते हैं द्वादश भावगत तृतीयेश का फल बता रहे। तृतीय भाव सहज भाव कहते हैं, भ्रातृ भाव भी कहा जाता है। सहजाते थे सहज, साथ में पैदा हुए भाई बहन, अच्छा भ्रातृ भाव सहज भाव, इसका स्वामी कौन होता है? पता नहीं, क्या पता? आपकी लग्न कुंडली पर डिपेंड है ना, हर व्यक्ति का लग्न कुंडली अलग होता है। लग्न कुंडली में आपका लग्न जो भी होगा वहां से जो तीसरा भाव है वो तीसरे भाव में जो भी राशि है वही उस भाव का स्वामी होगा। वैसे मेष लग्न है तब तो तृतीय भाव मिथुन राशि रहेगा, उसका मालिक कौन होगा? तृतीय बुध हो जाएगा। यदि वृषभ लग्न है वह चार नंबर आएगा, कर्क राशि हो जाएगा, कर्क स्वामी चंद्र है तृतीय स्तंभ। इसे लग्न पर डिपेंड, आपके लग्न इसके लग्न कुंडली में जो भी लग्न कुंडली आपका बन गया उसके बाद देखिए कौन से भाव है कौन सी राशि है वहां उसका स्वामी कौन है। जो भी तृतीयेश होगा वह यदि लग्न में रहेगा तो क्या फल होता है? तृतीयेश यदि प्रथम भाव हो में हो लग्न में हो तनु भाव में हो क्या फल होता है? सहज पति लग्न गतो वाग्वादी लंपट स्वजन भेदी सेवा पर कुमित्र कूटकर प्रोच्यते पुरुषः। 9, 11, 7, 10 सहजपति तृतीय भाव का स्वामी कहाँ हो? लग्नगत लग्न भाव में तनु भाव में प्रथम भाव में विराजमान है। तो कैसा होता है व्यक्ति? स्वभाव सामान्यतः वाद विवाद के घेरे में रहने वाला होता है। वाग्वादी उन्हें वकील बन जाएगा और क्या, वकील का काम है ना वाद विवाद में पड़े रहना, करने वाला होता है हमेशा वाद विवाद करने वाला रहेगा। वो लंपटा लंपट होगा मैंने आवार भी आवारा भी रहेगा लिख रहे। स्वजन भेदी आपस में फूट लगाने वाला होगा, स्वजन में ही भेद पैदा करने और फूट डालकर राज करने वाला।
सेवा पर सेवा कार्य में कुशल, कुमित्र दुष्ट मित्रों के संयुक्त रहेगा, कूटकर छल प्रपंच करने वाला वह पुरुष होता है जिसके कुंडली में सहज भाव के स्वामी प्रथम भाव में विराजमान है, और तृतीय भाव के स्वामी ये धन भाव में हो तो धन गृह गे सहजेशे भिक्षुर विधनो अल्प जीवनो मनुजः बंधु विरोधी क्रूरे सौम्य पुनरीश्वर खचरे। 9, 12, 7, 10 धन गृह के सहजेश सहजेश तृतीभाव के स्वामी धन भाव में बैठा हो तो भिक्षु वह व्यक्ति भीख मंगा बनेगा, भिक्षुक होगा। क्यों भिक्षुक हो गया आगे बताइए दे विधान, जब धन रहित तो करे क्या, भीख मांग के तो जीना पड़ेगा। विधान अल्प जीवन अल्पायु भी होता है वह मनुष्य, मनुजम मनुष्य जो पैदा हुआ ऐसी स्थिति में, बंधु विरोधी भाइयों से विरोध करने वाला होता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी भाइयों के साथ ही कर डालेगा, क्रूरे ये सब कब हो रहा है यदि अशुभ ग्रह हो तो, सौम्य शुभ ग्रह हो तो, तृतीय का स्वामी क्रूर ग्रह है तो पुरोक्त फल, और तृतीय का स्वामी शुभ ग्रह होकर के धन भाव में बैठा, तृतीय का स्वामी क्रूर ग्रह होकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो पूर्व में जो कहा गया फल है, और आगे जो कह रहे फल तृतीय भाव के स्वामी शुभ ग्रह है और द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तब पुनरीश्वर खचरे सौम्य हो शुभ ग्रह हो तो वह धनवान हो जाएगा, सामान्य दीनी बिल्कुल ईश्वर राजा के समान हो जाता है, ईश्वर मने राजा के समान हो जाएगा। सहज गते सहज पति ही समसत्तम सुहृदम शुभ स्वजनम देव गुरु पूजन रतम नृपलाभ परम नरं गुरुते। 10, 13, 9, 11 सहज गते सहज पति ही सहज भाव का स्वामी सहज भाव में ही है, तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में ही रह गया, तब वह समसत्तम सुहृदम शुभस्वजनम वह मनुष्य समसत्तम सत्य बने अच्छे पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखता है, सुहृद मित्र भी अच्छे अच्छे होंगे उसके, शुभ स्वजनम और उसके स्वजन भी खुद वो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, भाई बंधु भी सब आत्मीय होंगे हितैषी होंगे अच्छे होंगे। देव गुरु पूजन रतम देव गुरु और श्रेष्ठ लोगों का जो है पूजा सेवा आदि में अभिरत रहता है। नृपलाभ परम राजा से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, लाभ परम ऐसा मनुष्य होता है जो इस स्थिति में पैदा होता है। भ्रातृपतौ मातृगते पितृबंधु सहोदरेषु सुखभोगी मात्रा सह वैरकरः पितृवित्तस्य भक्षकः पुरुषः। 8, 13, 11 भ्रातृपतौ मातृगते भ्रातृपति मन तृतीय भाव के स्वामी मातृभाव में चला गया, तब पितृबंधु सहोदरेषु सुखभोगी वह पुरुष पिता बंधु बांधव और सहोदर बंधु बांधव मैंने चचेरे भाई ताऊ वगैरह के बच्चे वह सब भाई लोग और सहोदर लोग भी सहोदरेषु मैंने जो है क्या बोलते हैं उसको सहोदर को सगे भाई बहन सगे बोलते हो सगे भाई बहन उन सब के साथ सुख भोग करने वाला होता है। किंतु मात्रा सह वैर करह परंतु माता के साथ वैर करने वाला होता है, माँ का एक भी बात नहीं मानेगा हर बार उनके खिलाफ चलता है। एवं पिता के धन को भोग करने वाला भी होता है, पितृवित भक्षक तस्य पुरुष वित्तस्य पितृवित्तस्य पिता का जो धन है उसी का भोग करने वाला होगा, मैंने अपने कमाएगा कुछ है ही नहीं, बाप का कमे उड़ाते उड़ाते जिंदगी काट लेगा। ये हो गया चौथे भाव में तृतीय शोतो
अब पंचम भाव में पहुंच गया कौन, तृतीय स्तो दुश्चिक्य पतौ सुतगे सुत बांधव सुत सहोदर पाल्य दीर्घायुर्भवति नरः परोपकारैक निरतमतिश्च। 8-5, 8-13, 8-12, 8-13, 8-12 दुश्चिक्य पतौ मानी तृतीय भाव का जो स्वामी है वह सुतगे मैंने पंचम भाव में गया बैठ गया, तब सुत बांधव सुत सहोदर ही मैंने बंधु बांधवों के जो बच्चे हैं भाई भतीजा आदि भतीजे भतीजी चचेरा भाई ये सब होते हैं चाचा ताऊ के लड़के वो, और साथ साथ सुत सहोदर ही अपने संतान एवं सहोदर सगे भाई बहन पाल्य हो इन सब के द्वारा अब पालन कर पालन होता है उसका, उस व्यक्ति का पालन सब लोग मिलकर करते हैं, वो किसी का पालन करेगा नहीं लेकिन सब लोग मिलकर उसका पालन करते हैं। कभी इस भाई से मांग के ले लिया, कभी उस भाई से लिया, कभी बहन से लिया, कभी भतीजा से, कभी भांजी से, कभी किसे लिया, कभी किसे लिया, और काम अपना चलाते रहता है, खुद मस्त रहेगा। दीर्घायु भवती इतना ही नहीं हो दीर्घायु होता है भवती न रहा परोपकारी का निरतमतिश्च परोपकारी विचारों वाला होता है, हमेशा ही सोचता है परोपकार करो। ये तो बंधु बांधव से लेता है। एक ऐसा भी आदमी था वो क्या करता, दुकानों को लूट देता था, बंदूक दिखा के निकाल पैसे इकट्ठा लाखों लाखों इकट्ठा करता था, और क्या करता था वो कंबल खूब खरीदेगा उससे, और जो अमरनाथ यात्रा ऐसी यात्राएं पहले वैष्णो देवी यात्रा भी कठिन थी, उन यात्रा रास्तों में जगह जगह चाय पकौड़ा इत्यादि दुकान लगा देता था, आओ फ्री सेवा में, जब यह कंबल उम्बल दो, अच्छा काम तो करता था लेकिन इधर जबरदस्ती लेकर के वह करता था। जब पकड़ा गया चोरी के मामले में कहीं ना कहीं तो फंस ही जाता है ना, धीरे धीरे सीसीटीवी लगा दिए कर दिया वो कर दिया, पकड़े में आ गया वो, पकड़ ले गए उसको, तो उसने कहा भाई कोई गलत कर रहा हो तो बताओ। ये लोग कमाते हैं न सरकार को देते हैं टैक्स, इस तरीके से अंदर दबाए दबाए छुपा छुपा के रखते हैं, मैं उसी को लेता हूँ और मैं उधर बांट देता हूँ गरीबों को जरूरतमंदों को, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ बताइए। उन्होंने पूछा तुम्हारे घर के खर्चे कैसे थे, तो मेरा खेती है उससे सारा काम चल रहा है, फिर ये काम करने की क्या जरूरत थी, मेरी जनून है मैं सेवा करना चाहता हूँ, ले भाई नहीं तो क्या करूँ मैं जचने का है ये तो गजब आदमी है भाई, इसका माफ़ कर दो छोड़ दो इसको, मेरे कानून कानून है उसको 1.5 साल के लिए दिया और बोले छोड़ दो आगे नहीं करना जो हो गया। तो ऐसे ऐसे गजब लोग होते हैं एक से एक, ऐसे परोपकारी परोपकारी का निर्दमतिश्च षष्टगते सहज पतो बंधु विरोधो नयन रोगी च भूलावो भवति भृशं कदाचिदपि रोग संकलितः। 9-11, 8-11 षष्टगते सहज पतो तृतीय भाव के स्वामी छठे भाव शत्रु भाव में बैठ गया है तो बंधु विरोधो वो अपने ही भाइयों का विरोधी हो जाएगा, आंखों के रोगी नयन रोगी चाहे जमीन जायदाद का अवश्य प्राप्त करे भूलावो अधिक मात्रा से भूमि आदि का लाभ करता है, भ्रषम भूलावो कदाचित विलीन कभी कभी निश्चित वह रोग से पीड़ित भी रहता है। सप्तम भाव में तृतीय भाव के स्वामी पहुंचे तो सप्तम के सहजे से नरस्य भार्या भवे सुशीला च सौभाग्यवती युवती क्रूरे देवर ग्रहं याति। 8-11, 8-9, 8-11, 8-9 सप्तम के सहजे से सहज में तृतीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो तो वह नरस्य भार्या यदि वहां सहजेश कौन होगा तृतीय भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो तो
शुभ ग्रह हो तो उसकी पत्नी सुशीला होगी, सौभाग्यवती होगी, युवती होगी, अच्छी होगी वो। लेकिन यदि क्रूर ग्रह हो तो है देवर गृहं याति, पति के छोटे भाई के घर वहां चली जाती है, मने देवर से प्रेम करने लगती है, देवर की हो जाती है वो, अपने पति को छोड़ देगी और देवर का हो जाती है। यदि क्रूर ग्रह हो, तृतीय का स्वामी क्रूर ग्रह हो और सप्तम भाव में बैठा है तो एवमेव उल्टा भी अर्थ लेना पड़ेगा ना। जैसे लड़की के लिए कह दिया देवर के पास जाएगी, और लड़का है तो भाभी के पास जाएगा, ये अर्थ करना पड़ेगा। अपने पत्नी को छोड़ेगा और भाभी के साथ मौज करेगा। अब अष्टम भाव, तृतीय से अष्टम भाव में भ्रातृपतिरष्टम गह सहजम मृत सोदरम नरं कुरुते क्रूरे बाहु व्यंगिनम अपि जीवति यद्यष्ट वर्षाणी। 8-13-9-9 का भ्रातृपतिरष्टम गह, भ्रातृपति तृतीय भाव के जो स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो सहजम मृत सोदरम, वह व्यक्ति का स्थिति होगी सहोदर जो भाई होगा वह उसकी मृत्यु हो जाती है। नरम कुरुते, ऐसा मनुष्य के ग्रह प्रभाव पड़ जाता है। और यदि तृतीय पाप ग्रह हो तो वह बाहु व्यंगिनम अपि, बाहु रोग से युक्त रहेगा, बाहु के रोग से पीड़ित रहता है। जीवति यदि अष्टवर्षाणी, यदि रोग से जीवित भी रहा तो भी 8 वर्ष की आयु तक ज्यादा जिएगा और फिर वो भी चला जाएगा। पहले भाई गया फिर खुद भी चला जाएगा, ज्यादा लंबा टिकेगा ही नहीं खुद भी। धर्मगते सहज पतो क्रूरे बंधु जितस तथा सौम्ये सद्बांधवश्च सुकृतिम सोदर भक्तो भवेन मनुजः। 11-8-8-10 है। सहजपति तृतीय भाव के स्वामी धर्मगते में नवम भाव में बैठ गया, भाग्य स्थान में बैठ गया है, लेकिन वह सहजपति क्रूर ग्रह है तो 11-8-8-10 यहां 11-8-8-10 धर्मगते सहज पतौ क्रूरे, धर्मगते सहज पतौ क्रूरे, यदि धर्म भाव में सहजपति क्रूर ग्रह बैठा हो तो बंधु जितस तथा वह बंधुओं के द्वारा त्यक्त हो जाएगा, त्यागा हो जाएगा, मनुष्य भाइयों आदियों के द्वारा परित्यक्त हो जाएगा। और यदि शुभ ग्रह तो सौम्य, यदि सहजपति सौम्य शुभ ग्रह है और बैठा कहां नवम भाव में तो सद्बांधवश्च सुकृति, वह तब तो उसके अच्छे भाई लोग होंगे, बंधु बांधव अच्छे अच्छे होंगे और सत्कार्य करने में सदा लगे रहने वाला होगा। सोदर भक्तो अपने सभी सगे भाई आदि उनका परम भक्ति करता है, उन सबके प्रेम व्यवहार रखता है, सबकी सेवा करने में लगा रहता है। अब दशम भाव में तृतीयेश का दुश्चिक्येशे दशम गते नृप पूज्य मातृबंधु पितृभक्त उत्तम बोधो बंधुषु विनिश्चितो जायते जातः। 9-12-8-9 तृतीयेश दुश्चिक्येश तृतीयेश ये दशम भाव में बैठा है तो वह नृप पूज्य होगा, राजा के द्वारा सम्मानित होगा। मातृ बंधु पितृभक्त, माता भाई बंधु और पिता का वह भक्त होता है। उत्तम बोधो उत्तम ज्ञानी होगा, बंधुओं में अपने भाइयों में अपने सगियों में निश्चित रूपेण उत्तम ज्ञानी हो जाएगा। विनिश्चितो बंधुषु उत्तम बोधो, भाइयों के प्रति अथवा दृढ़ व्यवहार करने वाला प्रेम रखने वाला होता है, ऐसा स्थिति में जो जन्मा हुआ मनुष्य है। लाभस्त सहजेश सुबांधवम राजशालिनं कुरुते कुरुते बंधुषु सेवा विधायिनं भोग निरतंच। 7-12-8-10 लाभस्त सहजेश सहज स्वामी तृतीय भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठा हो तो सुबांधवम
उसके बंधु बांधव अच्छे होंगे, भाई बहन वगैरह सब अच्छे अच्छे लोग होंगे। भी इस कलयुग में ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, कलयुग में तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, द्वापर में तो मुश्किल हो गया, कलयुग में तो कहना ही क्या। द्वापर में तो लड़ाई हो, भाई भाई में तो लड़ाई हो, पूरा महाभारत ही कहानी है, 105 के पीछे लड़ाई हो गई भयंकर, 5 के अधिकार 100 ने छीन लिया। यहां ऐसा नहीं होगा, एक के पीछे 4 को त्याग देंगे तृतीय से, राम के लिए सबने कहना है उनके लिए सब हम छोड़ देंगे, उनको जो करना है करो, वो जो कहेंगे हम करेंगे, बल्कि हमें नहीं चाहिए अलग कुछ। ये तो जैसे युग आगे बढ़ते जाता है मामले बिगड़ते जाते हैं, युग के 4 पहिया मानते ना, धर्म सत्यादि, एक ही घटते जाता है, चौथा यहाँ पर तो कलयुग एक ही पहिया पर चल रहा है, 4 पहिया का गाड़ी एक पहिया पर चलेगा। कितनी कठिनाई है ना इसमें, इसीलिए सब पाखंड प्रधान रहता है, उसमें से निकल के बच के सन्मार्ग में चलना, सत्कर्म में लगना, शास्त्रों को पढ़ना है, उसे वेदांत, ये तो अनेकों जन्मों का पुण्य है ना, अनेक जन्म संसिद्ध वही यहाँ पर टपकता है, और यहाँ से भटक जाए तो क्या कहा जाए उसको। तीसरे व्यक्ति को सोचना चाहिए भगवान ने कहीं से धक्का मार के मतलब फेंक दिया हो, इस लाइन में डाल दिया हो, इसका लाभ उठाओ, लेकिन है कि नहीं, किसी भी कारण से आ गए आ गए, लाभ उठाइए। सुबांधवम राजशालिनं कुरुते, और राजा का आश्रय पाने वाला हो जाता है। कुरुते बंधुषु सेवा विधायिनं भोग निरतंच, भाइयों के प्रति सेवा भाव रखने वाला होता है, तथा भोग ऐश्वर्य सुख से भी उसमें अभिरत रहता है, लीन रहता है। व्यय गे दुश्चिक्येशे मित्र विरोधी च बंधु संतापी, दूरे वासित बंधुर विदेश गामी नरो भवेच्चात। 7:11 व्यय गे दुश्चिक्येशे, तृतीय भाव के स्वामी यदि व्यय भाव में मैंने 12वें भाव में चला गया तो मित्र विरोधी, उसके मित्रों का विरोधी हो जाएगा वो, बंधु संतापी, बंधुओं को कष्ट देने वाला होगा, बंधुओं को दूर बसाने वाला होगा। दूरे वासित बंधु, अपने बंधु बांधवों को, इष्ट मित्रों को, भाई बहनों को, सबको, किसी को भी अपने पास भटकने नहीं देगा, सबको दूर दूर भगा के रखेगा, दूर दूर वास कराएगा। विदेश गामी, और स्वयं भी क्या करता है, देश विदेश भ्रमण करने में लगा रहता है, उड़ाओ पैसे सबके, नहीं सबसे लो और पैसे उड़ाओ, वो मांगने आवे ना आवे ऐसे पहले उनका हाल कर दो, दूर खड़ा कर दो। इतना भयंकर आदमी होगा जो तृतीय सदी 12वें भाव में रहेगा। तो अब द्वादश भावगत चतुर्थेश का फल वर्णन करने जा रहे हैं। तुरीय पतिर लग्न गतः पितृपुत्रयो स्नेहं मितः कुरुते, उत्तमे पितृपक्षे वैरी कलितं पितृनाम्ना प्रसिद्धंच। 8, 12 और 9, 3, 3, 6, 7 और 4, 11, 9, 11, 8, 12, 9, 11। तुरीय पतिर लग्न गतः, माने तुरीय भाव का स्वामी, मातृभाव का जो स्वामी है वो बैठ गया कहाँ, लग्न भाव में, तो पिता पितृपुत्र यो स्नेहम मिता कुरुते, पिता पुत्र का परस्पर गाढ़ स्नेह बढ़ जाता है, और उत्तमे पितृपक्षे वैरी, उच्च कुल से पिता पक्ष माने चाचा भतीजा आदि के साथ वो वैर भाव रखने वाला होता है। उच्च कुल मने पितृकुल कहा जाता है, निच कुल मने मातृकुल कहा जाता है, इसलिए उत्तमे पितृपक्ष बोल ही दिया, स्पष्ट कर ही दिया, इसलिए जो उच्च कुल से मने पिता पक्ष से जो लोग हैं, चाचा ताऊ भतीजा आदि, उनके साथ वैर भाव रखने वाला होता है। तथा कलितम पितृनाम्ना प्रसिद्धंचो, और पिता के नाम से वह प्रसिद्धि को भी प्राप्त करने वाला होता है।
पाताल पे धनस्थे क्रूर खगे पितृविरोध कृच्छुबे जातः पितृपालक प्रसिद्धः पिता भुनक्ति तल्लक्ष्मी। 11, 10, 8, 9 पाताल पे च धनस्थे, पाताल मने यहाँ पर चौथे भाव, चौथे भाव में का जो स्वामी है चौथे भाव का, वो कहाँ बैठ गया, धनस्थे धन भाव में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठ गया। तो और बैठा हुआ ग्रह भी कौन सा है, क्रूर खगे, अर्थात चौथे भाव का स्वामी क्रूर ग्रह है और बैठा कहाँ है, धन भाव में। तो पितृविरोध कृच्छुभे जातः, पितृविरोध कृत पिता के साथ विरोध करने वाला होता है। और यदि शुभे शुभ ग्रह बैठा है, अर्थात चौथे का भाव का स्वामी शुभ ग्रह है और बैठक आए धन भाव में, तब पितृपालक प्रसिद्ध, ठीक विपरीत हो जाएगा, और पिता का पालन करने वाला होगा, प्रसिद्ध होगा, विख्यात पुरुष बनेगा, पिता भुनक्ति यतल लक्ष्मी। और पुत्र के द्वारा कमाए पर धन को पिता उपभोग कर सकता है, ये भी होगा, अधिकतर होता है पिता का कमाया पीछे खाते हैं, ये बेटे का खाए माता पिता खाएंगे, अच्छा है माता पिता गरीबी में जैसे भी रहे हो, लेकिन कम से मैं जवान होते गया कमाया और माता पिता सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, सारी सुविधा दे रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छा काम है ये। पिता भुनक्ति तल लक्ष्मी मने तत् मने तारस पुत्र की तरफ प्राप्त लक्ष्मी को यह इस लोक में ही वह पिता भोग करेगा। तुर्येशे सहजस्थे पितृ मातृ वेदना करं कुरुते पित्रास कलह करम पितृ बांधव घातकम नियतम। 7, 12, 9, 11 तुर्येशे सहजस्थे, तुर्य चौथे भाव के स्वामी, सहज भाव माने तीसरे भाव में बैठा हुआ है वह व्यक्ति पितृ मातृ वेदना करम, पिता माता के लिए हमेशा कष्ट प्रदान करने वाला होगा, कुरुदय पित्रा सह कल करम और पिता के साथ रोज लड़ाई करेगा, कलह करने वाला होगा। पितृ बांधव घातकम सितम, पिता एवं भाइयों के साथ वो क्या करने वाला था है? हमेशा घातक होता है, घात करने वाला ही हो जाएगा। तुर्य गते तुर्य पतौ पितरी क्षितिपात प्रचुरमान विदित पितृलाभ करो भवति सुधर्मा सुखी धनपह। 8, 12, 9, 11 तुर्य गते तुर्य पतौ, चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो पितरी क्षितिपात प्रचुरमान वह निश्चित रूप में ना पिता का सम्मान करता है, कराता भी है, और जातक स्वयं प्रसिद्ध भी होता है, प्रचुर मान वाला मैंने प्रसिद्धि को पाने वाला होता है। और विदिता पितृलाभ करो, विदिता मैंने ख्याता और पितृलाभ, पिता को हमेशा लाभान्वित करने वाला होता है। एवं भवति सुधर्मा और धर्म आचरण करने वाला होगा, सुखी होगा, धनपह और धनपति बन जाएगा। अगला छंद 8, 10, 8, 10 का है, प्रथम और तीसरा पाद बराबर अक्षर है, दूसरा और चौथा पाद बराबर अक्षर है, 8, 10, 8, 10 है। सुतगे तुर्य गृहेशे पितृ संलाभवांश्च दीर्घायुः भवति कृति प्रसिद्ध ससुतः सुतपालकश्चैव। चतुर्थे चौथे का स्वामी तुर्य गृहेशे सुतगे पंचम भाव पुत्र भाव में बैठा है, तो वह जातक अपने पिता से लाभ प्राप्त करता है, पितृतः संलाभवान दीर्घायु भी होता है, और अपने ही कार्यों के द्वारा वह प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, कृति प्रसिद्ध हो। ससुतः पुत्रवान होगा और पुत्रों का पालन करने वाला होगा, सुतपालकश्चैव अपने पुत्रों को सम्यक प्रकार से पालन करने वाला भी होता है। हिबुक पतौ रिपु संस्थे मातृत्व विनाशक शिशुर्जातः
पितृदोष रत क्रूरे सौम्य धन संचयो तनय 9, 11, 8, 10। हिपु कपतौ माने चौथे भाव के स्वामी कहां बैठा है? रिपु संस्थे छठे भाव में सम्यक प्रकार से बैठ गया है। तो मातृत्व विनाशक हो वह बालक निश्चित रूप से अपनी माता के धन आदि, अपनी माता का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है इत्यादि है, वह सबको नाश करने वाला होगा। ऐसा शिशु हो जात स्यात, उत्पन्न है जो वह ऐसा बालक बनेगा। और पितृदोष रतः क्रूर है, यदि क्रूर ग्रह यदि है चौथे भाव के स्वामी क्रूर ग्रह होकर के पंचम भाव में बैठा है तो पितृदोष रतः पिता के दोषों का अन्वेषण करने वाला होता है। और पिता के बार बार टोंट कसते रहे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, उल्टा खोपड़ी। पिता के दोष को देखना और पिता के मुख पे बोल देना और अन्य के सामने उनको बोल के उनका अपमानित करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। वो ऐसे करने वाला हो जाएगा जिसके ग्रह ऐसे हैं। सौम्य यदि शुभ ग्रह हो, चौथे भाव के समय शुभ ग्रह है और पंचम भाव में बैठा है तो धन संचयो तनयः, वह जातक धन का संग्रह करने वाला होता है और उसके अपने भी खूब संतान होंगे। अम्ब पतौ सप्तमगे क्रूरे श्वशुरम स्नुषा न पालयति सौम्ये पालयति पुनः कुलवतीं कुज कवि कुरुतः। 10, 10, 8, 11। अम्बुपति माने चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन वह स्वामी भी कौन है? क्रूर ग्रह है। तो शुशुर का पालन सेवा नहीं करती है उसकी पत्नी, माने बेटे की पत्नी बहू जो है अपने सास ससुर पति के माता पिता की कभी वो सेवा नहीं करेगी। उस बालक का स्वभाव, और बालिका हो तो उसके पति होगा, अपने सास ससुर को कुछ नहीं मानेगा, ध्यान ही नहीं देगा, विपरीत वे दोनों ग्रहण करते जाना है। सुनुषा माने बहू जो है पुत्र वधु, वह श्वशुर न पालयती, सास ससुर का पालन नहीं करेगी। सौम्य यदि सौम्य ग्रह हो तो चतुर्थ सौम्य ग्रह है और सप्तम भाव में बैठ गया तो पालयती पुनः, अपने सास ससुर प्रेम से पालने वाला होगा। कुलवती कुल कवि कुरुत हो, और वह पत्नी कुलीन होगी, श्रेष्ठ जो है महिला होगी वो, और साथ साथ कुजक कवि है। कुजक कवि, कुजक कवि माने कुजक, कुलवती भी है और कुजक कवि, अर्थात हमेशा अपने श्रेष्ठ गुणों के साथ जीने वाली पत्नी मिलेगी उसको। छिद्रगतस्तुर्य पति क्रूरम रोगान्वितं दरिद्रं वा दुष्कर्मगरं मृत्युप्रिय मथवा मानवं कुरुते। 10, 8, 9, 9। छिद्रगतस्तुर्य पति माने तुर्य पति अर्थात चौथे भाव का स्वामी कहाँ पहुंच गया है? छिद्र माने आठवां भाव, मृत्यु भाव, उस मृत्यु भाव में पहुंच गया है, वहां बैठा हुआ है। और वह स्वामी भी कौन है? चौथे भाव के स्वामी क्रूर ग्रह है। तो रोगान्वितं दरिद्रं वा कुरुते, रोग युक्त कर देता है, दरिद्र बना देता है, रोग युक्त कर देता है और दरिद्र बना देता है। और एवं दुष्कर्म कर्म कुकर्म करने वाला होता है तथा मृत्यु प्रियम, जीवन से ऊब कर बार बार मृत्यु की अभिलाषा करने लगता है, आत्महत्या करने का प्रयास करने वाला हो जाता है वह मानवम कुरुते। और शुभ ग्रह हो तो उसके विपरीत ले लेना। ये सारा फल क्या है? क्रूर ग्रह हो तो चौथे भाव के स्वामी क्रूर ग्रह होकर अष्टम भाव में बैठा है तो ये सब हो गया, और इसके ठीक विपरीत लेना पड़ेगा यदि चौथे भाव के स्वामी शुभ ग्रह हो और वह अष्टम भाव में बैठा है तो। नवम भाव के कहते हैं अभी, सुकृते तुर्य पतौ पितर असंगी समस्त विद्यावान पितृधर्म संग्रह पर पितृनिरपेक्ष भवेन मनुज। तुर्यपतौ तुर्यपति चौथे भाव के स्वामी, सुकृते अर्थात धर्म भाव
भाग्य भाव नवम भाव में स्थित है तो पितरी असंगी कहते अपने पिता के साथ वह संग रखता नहीं, संबंध रखता नहीं, विरोधी हो जाता है पिता का, वह विरोधी हो जाता है। और कैसे होता है? समस्त विद्यावान, लेकिन समस्त विद्याओं को का ज्ञाता होता है। पितृधर्म संग्रह पर पिता के धर्माचरण का अनुगमन भी करता है, पिता का विरोधी होता है इन पिता का जो धर्माचरण है उस आचरण को जरूर करता है। इसका मतलब क्या? पिता के जो भी अधर्म आचरण होता है उसका विरोध करता है, जो धर्माचरण है उसका अनुसरण करता है। अरे पिता दारू पीवे, कोई जरूरी है बेटा भी दारू पीना चाहिए? अरे पिता का विरोध करो, क्या कर रहे हैं, सब गलत है, ऐसे मत कीजिए, बोलो। और जो धर्म कार्य करे, पूजा पाठ ध्यान जो भी करते उसका अनुकरण करो, ये होता अच्छा है। और पितृधर्म संग्रह पर पितृनिरपेक्षो भवेन मनुजः, और पिता से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, स्वयं की मेहनत से बचपन से ही पढ़ाई लिखाई कमाई सारी चीजें अपनी ही मेहनत के बल पर कर लेता है। ऐसे भी होते हैं, एक बालक का विचार अभी आया था सामने, वो गया अखबार बेचने के लिए। वो दुकान वाले पूछे, तुम इतने छोटे बच्चे क्या करोगे? नहीं, आप जहां बोलो वहां चले जाऊंगा, डाल दूंगा, फिर पास साइकिल वगैरह है, कुछ नहीं है, पैदल ही चले जाऊंगा। कहाँ का देना बता दीजिए हमको। उन्हें कहा, भाई फिर भी तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्या जरूरत है तुम्हें सब काम करने? घर में पिता पाए जाए, माँ कहाँ तक घर घर जाके बर्तन मल के कितनी कमाएगी, इसलिए हमारा फीस नहीं दे पाती समय पे। तो हमने सोचा अखबार डाल दूँ और आपसे जो मिलेगा उसे फीस में चला। ऐसे बच्चे देखो मेहनत कर रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, आगे कमाई करेंगे, तो अपनी मेहनत से पिता से निरपेक्ष, पिता से कुछ भी अपेक्षा किए बिना स्वप्रयास से सब कुछ प्राप्त कर लेते। ये होता है यदि नवम भाव में आपका जो है बैठा है तुरी का पति, चौथे भाव के स्वामी। और चौथे के भाव के स्वामी जा रहे कहां? दशम भाव में। पाताल पे अंबर गते पापे सुत मातरम त्यज जनक सृजते त्वन्यां दैतां सौम्ये पुनरन्य सेवक पुरुषः। ये बराबर है दस 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 दस, पूर्वार्ध में भी दोनों पाद दस दस अक्षर के, उत्तरार्ध के भी दोनों पाद दस दस अक्षर के समान है। यह चतुर्देश पाप ग्रह ये दशम भाव में बैठ गया। पाताल पे, पाताल मैंने चौथा भाव, उसके जो स्वामी वो कहां बैठ गया? अंबर गते दशम भाव में जाके बैठ गया। और कहा बैठा हुआ जो ग्रह भी कैसा है? चतुर्थ का भाव के स्वामी पाप ग्रह है। तो सुतम मातरम तिदे जनक, वह जातक पिता और माता एवं पत्नी सबको त्याग देने वाला होता है। जातक की माता का परित्याग कर अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है, अपने पत्नी को भी त्याग देगा। सृजते तो अन्याम, पैदा करके बच्चे को भी कहां? दूसरी औरत में। सृजेतु अन्याम दयिताम, अन्य अत्यंत दीनशीन वाली स्त्री को पकड़ के उसके साथ प्रेम करता है, उसी में बच्चा आदि पैदा करता है। और इधर अपने माता पिता पत्नी को लात मार देता है। ये सब क्रूर ग्रह हो तो ये चौथे भाव के स्वामी शुभ ग्रह है, और दशम भाव में बैठा है तो पुनरअन्य सेवक पुरुष हो, वह अन्य सेवक बनेगा। शुभ ग्रह हो तो अन्य स्त्री का भी सेवन करता है, लेकिन अपने पत्नी माता पिता को त्यागता नहीं। यह फर्क है, अन्य स्त्री का सेवन करेगा तब भी पुनर, इसलिए अन्य सेवक पुरुष। अभी वह अन्य स्त्री को सेवन करने छोड़ेगा नहीं, लेकिन अपने माता पिता पत्नी को भी संबंध रखता है, उनके साथ व्यवहार करता है। अपने पत्नी से ही बच्चा पैदा करेगा, लेकिन दूसरे औरत से संबंध छोड़ेगा नहीं। अब ग्यारहवें भाव में पहुंचे जी चतुर्थेश, तो एकादशे तुर्य पतौ धर्मी,
पितृपालक सुकर्मा च पितृभक्तो भवति पुनः प्रचुरायुर्व्याधिरहितश्च। चौथे भाव के स्वामी यदि ग्यारहवें भाव में बैठा है तो वह व्यक्ति 10-9-9-10 है, 10-9-9-10 तो वह व्यक्ति धर्मी होगा, धार्मिक होगा, धर्माचरण करने वाला होगा और पितृपाल का पिता की सेवा और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, सुकर्मा अच्छे कर्मों को करने वाला, पितृभक्तो भवति पुनः पिता का भक्त होता है, प्रचुर आयु वाला दीर्घायु वाला होगा एवं रोग से रहित भी होता है। इसको पूरा कर ही देते हैं। द्वादश गते तुर्य पतो मृत पितृ गोवा विदेश गोवाच पुत्रस्य पाप खेटे चान्य पितुर जन्म निर्देश्यम। द्वादश के तुर्य पतो चौथे भाव के स्वामी द्वादश भाव में चला गया, 8-12-7-9 अक्षर है यहां तो मातृ पितृ को वा विदेश गो वाच्य। वह व्यक्ति कैसा होता है, जातक पिता के शीघ्र मृत्यु हो जाती है, विदेश गो वा वाच्य मृत पितृ को, मृत पिता माता पिता वाला होगा माने अनाथ पैदा होगा, गर्भिणी अवस्था में बाप मर गया और बच्चा पर मां भी मर गई, दोनों गए। मृत पितृको वा विदेश गो वाच्य हो, मृत पितृक वाला हो जाएगा वो, ठीक है माने उसके माता पिता से रहित अनाथ होकर के जन्म लेगा हो, या उनके शीघ्र मृत्यु हो जाएगी, छोटेपन में दोनों गए तो अनाथ हो ही गया हो, अतः विदेश में निवास करने वाला होगा माने माता पिता से दूर विदेश में निवास करेगा। आजकल तो खैर वीडियो कॉल है, उसे देख भी लेगा माँ बाप को, पहले जब उनका देख पाते थे बात ही नहीं हो पाती थी। इसी प्रकार से पुत्र से पाप खेटे और यदि पाप ग्रह से युक्त तो वह जो चौथे भाव के स्वामी पाप ग्रह है और द्वादश घर में बैठ के बारहवें घर में बैठा हो तो क्या होगा, वह अन्य का पुत्र बनेगा, अन्य पितुर जन्म निर्देश्याम, अन्य पिता पर व्यक्ति से वह उत्पन्न होता है, अपनी माँ में अपने पिता से पैदा नहीं होगा, वास्तविक पति जो उसको उससे पैदा नहीं होता, लेकिन अपनी माँ जिसे मान रहा है वह अन्य पति से अन्य पुरुष से प्राप्त बीज से उत्पन्न होता है, ये उसके फल मिलता है जो हम